जो पेपर में हमने पढ़ा था, पार्टी के लोग भी वाम दलों ने, जैसा कि पेपर में आप देखिएगा, जी वाम वाम दल दल इसका घोर विरोध कर रहे हैं, जबकि सत्ता में है। सत्ता में साथ उनके साथ है। उस जदयू का हमारे मंत्री जो सत्ता में है, वैसे लोग भी दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। तो अब शिक्षकों के हित में क्या होने वाला है, अभ्यर्थियों के हित में क्या होने वाला है, पूरी उपापो है, असमंजस है। ये एक्चुअल में ये बहाली होनी है या फिर शगुफा है, ये अब क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर जो अभ्यर्थी थोड़ा सा टेंशन में, तो सभी को आना स्वाभाविक है, चूंकि आप पहले ही बता दिए कि अब किसी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला हो और उसको बोला जाए कि फिर से आपको एग्जाम देना है, किसी को फर्स्ट डिवीजन आ गया उसको बोला जाए कि आप फेल कर गए, तो स्वाभाविक है। कि उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को बनाने में 2 साल कुछ महीने लगे थे, दो लेकिन वर्ष 11 महीना 18 दिन हाँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जी लगे थे। और शिक्षक नियमावली तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया सेवा शर्त कि 10 वर्ष के बाद ये नियमावली बनी हुई है। तो एक तरीके समझते हैं कि आकर्षक वेतन किसको कहते हैं, अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। अगर देख साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम टूर चैनल का जो काम होता है केवल और केवल अभ्यर्थियों की आवाज उठाना। तो आज तक मैं लगातार जहां भी अभ्यर्थी रहते हैं, वह गंगा किनारे पढ़ाई करते हो या मोइनुल हक स्टेडियम हो या कहीं भी हो, वहां जब मैं जाता हूं तो ये प्रश्न कई दिनों से चल रहा है शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर। तो उनसे जब भी मैं प्रश्न करता हूं तो उन लोगों की नाराजगी रहता है। तो आखिर संपूर्ण इस पर क्या समस्या है, किस तरीका का प्रावधान है, क्यों नाराजगी है, ये अभी हम ओझा सर से इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके बता दें, आप अंत तक वीडियो देखिएगा, जो भी आपके मन में डाउट है वो संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। यहां तक कि जो नियोजित शिक्षक हैं, कई एक सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, उन उनसे भी मैं कई एक बार बातचीत किया तो उनके अंदर भी नाराजगी है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। धन्यवाद अभिषेक जी। सर सबसे पहले देखा जाए तो बहुत लोगों में उत्साह था कि अब सरकारी शिक्षक बहाल होंगे, राज्यकर्मी मिलेगा, लेकिन अभी तक चूंकि अभ्यर्थी का ये चैनल है, मैं जितने भी अभ्यर्थी से बातचीत किया जो तैयारी करते हैं उनके अंदर बहुत नाराजगी है। सर इस नाराजगी का क्या कारण है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनका हम स्वागत करते हैं और उन सबको शुभकामना देते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़ें। और उसके बाद जहाँ तक नाराजगी की बात है और अभ्यर्थियों की बात करें, तो जैसा कि आप सब लोग देखते होंगे, आप तो चैनल वाले हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं, सरकार से हर किसी का उम्मीद होता है कि उन्हें कुछ प्राप्त होगा, खास करके बेरोजगार जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं, और उनकी तैयारी जब अंतिम क्षण में होती है, सफल हो गए होते हैं, और जब नियुक्ति पत्र मिलने की बात होती है, तो बताइए कितना उत्साह तो होगा ही होगा। सरकार पहले से वैसे अभ्यर्थियों को जो स्टेट पास क्वालिफाई कर चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र देने, या 7वें चरण की बात बार बार सरकार कर रही थी, और एकाएक उनको पता चला कि अब जो भी अभ्यर्थी जो 4 बार एग्जाम दे चुके हैं, जो सफल हैं और जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लाइकली टू बी अपॉइंटेड का जो कंडीशन था, जो सिचुएशन था, अब वो उनके हाथ निराशा लग गई। और सरकार ने एक सेवा शर्त और नियमावली के आधार पर कहा कि वंस अगेन, फिर से एक बार आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में बैठना होगा और उसमें सफल होना होगा, तब उसके बाद में हम आपको सफल समझने के आधार पर हम आपको नियुक्ति पत्र देंगे या फिर आपको शिक्षक के रूप में अपॉइंट करेंगे। घोर निराशा का कारण ये है कि 4 वर्ष, और वैसी परीक्षा जो कि अगर कहा जाए तो आईआईटी लेवल के जिसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जी, वैसे, हाँ जी वैसे, तो आप लोग जैसे कि मीडिया में भी देखते होंगे, पेपर में, कोर्ट में केसी सर भी गए, केसी सिन्हा सर गए थे जो आईआईटी एक्सपर्ट है और जिसके वो मैथमेटिशियन के अब उनका कोई जोड़ नहीं है। तो जब इस तरह के शख्सियत ने कहा, तो हम एक तरीके से विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे स्टूडेंट है अभ्यर्थी के, उनके दृष्टिकोण से अगर हम कहते हैं, तो ये तो निराशा की बात है ही कि अब अगर फिर से एग्जाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं और उनकी भी बात करें, तो पूर्व में नियोजित शिक्षक जो भी अभी सेवा कर चुके हैं, वो 10 साल, 15 साल या 20 साल जितने दिन सेवा की, उनको भी कहा जा रहा है कि राजकर्मी की दर्जा प्राप्त करनी है तो बीपीएससी जैसे द्वारा आयोजित परीक्षा को आपको सफल होना का। इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, सेवा शर्त नियमावली की चर्चा चल रही थी, बात चल रही थी, जिसमें स्थानांतरण से लेकर के वेतन और इत्यादि की बातें मंत्री महोदय के भी द्वारा इसे कहा गया था। तो इस तरह उनके विपरीत जब निर्णय सरकार का आएगा, तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है कि उन्हें उनके अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा और उनके विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ, तो नाराजगी तो होगी ही होगी। थोड़ी सी बेरोजगारी की हमारे स्टेट में संख्या में समस्या बहुत ज्यादा है,
और इस मामले में कहा जाए तो सबसे अगर ज्यादा ठगे जाते हैं तो बेरोजगार ही ठगे जाते हैं, बेचारे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, जो कि जिनके माता पिता मुश्किल से अर्निंग करके और बच्चों को शहर में रख करके पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह की होगी, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और हम समझते हैं कि सरकार सोच भी रही है। दूसरे दृष्टिकोण से अगर हम सरकार के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव बात है कि अगर बीपीएससी आयोजित करती है परीक्षा और सफल अभ्यर्थी को उनका जो नियुक्ति होता है तो नियोजन के खिलाफ हो जाता है, नियोजन अब नहीं होता है और एक नियोजनवाद की समाप्ति होती है। और यूं कहा जाए तो अब इसके बाद से कोई भी जो जो अभ्यर्थी है वो प्रत्यक्ष रूप से राजकर्मी होगा। राजकर्मी का तो जैसा कि आप जानते हैं, राजकर्मी का अर्थ मतलब कि वो जो भी सेवा शर्त और जो भी उनकी वित्तीय लाभ है वो पूर्व से जो जो भी अभ्यर्थी जो बहाल है उनके जैसा हो जाएगा। अगर हम कहेंगे तो उनको ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा, उन्हें ग्रुप बीमा मिलेगा, मेडिकल तो पहले से मिलता ही है उन्हें, और भी कई प्रकार के लाभ जो सरकार जो समय समय पर देती है, घोषणा करती है, उन्हें प्राप्त होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें राजकर्मी बनना ये अच्छा होगा, सरकार का ये अच्छा कदम है, यहाँ पर मैं सकारात्मक रूप से कह सकता हूँ। सर, केवल राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है, न कि उनके अनुकूल उन लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। यदि वेतन पर भी अभ्यर्थी जब वेतन आया आयोग के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, तो भी अभ्यर्थी सर जाहिर किए। सर, पहला प्रश्न ये है कि जो भी देखा जा रहा है, खास करके जो हम आम जन से बात किए तो आम जन ये कह रहे थे कि ये अच्छा सरकार का निर्णय है, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू जब बच्चे आएंगे, जब जब शिक्षक आएंगे तो अच्छा मेरिटोरियस आएंगे, क्वालिटी वाले आएंगे। ये सर कितना जाए? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई कह रहा है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा से निखर करके योग्यता सामने आएगी और जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे वो सफल होंगे और सफल लोग जो योग्य होंगे उन्हें विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलेगा और पढ़ाई का माहौल सुधरेगा, अच्छी बात है, इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ थोड़ी देर के लिए मैं कह सकता हूँ वेतन के लिए कि सरकार और मंत्री महोदय कुछ दिन पहले तक कहते थे कि आकर्षक वेतन होगा। आकर्षक वेतन अगर कहा जाए अभिषेक जी, तो हम ये समझते हैं कि आकर्षक वेतन किसको कहते हैं अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो पेपर वगैरह में हम देखते हैं जो वेतन का जो फ्रेम स्केल जो निर्धारित किया गया है, तो जो पूर्व से नियोजित शिक्षक है जितना वेतन पा रहे हैं हमको तो लगता है कि उसे कम ही हो जाएगा, हाँ, सब जोड़ दिया गया। जोड़ दिया जाए तो कम ही हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। तो एक राजकर्मी का अगर सगुफा दिया जा रहा है तो चलिए वो भी मान लेते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि हमें जो पूर्व की भांति जो शिक्षक बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करके और शिक्षक जो बन चुके हैं जो पहले से पदस्थापित है उनका जो पे स्केल होता है वैसे ही पे स्केल हमें मिलेगा, तो इस पे स्केल की उम्मीद में वो कहते थे कि हाँ अच्छी बात है और अभी भी कहते हैं, लेकिन वेतन को इनका जो निर्धारण हुआ इससे एक और निराशा हो गई। जी वेतन क्या है? सर, अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा निराशा, वेतन का तो निराशा है ही, अभ्यर्थी के मन में यह निराशा है कि जब एक शिक्षक नियमावली लाने में कई एक साल लग गया, इवन दशक भी लग गया, तो क्या मामला है कि इसको फाइनल कराने में दशक ना लग जाए? क्योंकि अभ्यर्थी बिहार के जो शिक्षा प्रणाली है या बिहार के जो एग्जाम लेने का जो पैटर्न है उस पर देखा जाता है तो बहुत अधिक समय लगता है। सर, इसको कैसे आप देखते हैं? हाँ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक शिक्षक अभ्यर्थी जो पेपर में हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान को बनाने में 2 साल कुछ महीने लगे थे, लेकिन दो वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और शिक्षक नियमावली तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया सेवा शर्त कि 10 वर्ष के बाद ये नियमावली बनी हुई है, तो एक तरीके से व्यंग है। पेपर मैगजीन में देखने को आया था, हमने देखा था पढ़ा था, तो थोड़ा सा लगा भी कि ये तो व्यंग है। और हम अगर कहते हैं कि इस प्रकार अगर इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती के लिए एक निश्चित टाइम निर्धारित कर दिया गया है, एक शेड्यूल फ्रेम किया गया है, तो इसके लिए लंबा समय चाहिए और टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, सीटों का अरेंजमेंट हो जाता है, फॉर्म का अप्लीकेशन लेना, स्क्रूटनी करना, फिर उसके बाद में उनके लिए सेंटर अलॉट करना, फिर उसके लिए और सिलेबस तो अभी स्पष्ट हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है सिलेबस और सिलेबस की, पैटर्न। पैटर्न जो होती है जी सिलेबस और पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अस्पष्ट कुछ रुख नहीं है। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं पेपर मैगजीन में वगैरह सब जगह कहता है कोई कि 100 नंबर का होगा, कोई कहता है 150 नंबर का, कोई कहता है कि जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई कहता है कि जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों होगा, कोई कहता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पैटर्न है वही लागू किया जाएगा
कोई कहता है कि पहले के जो बीटेट हुआ है वैसा होगा, तो अलग अलग स्टेट का भी लोग अध्ययन कर रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर कहा जाए कि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई पुष्टि कि क्या पूछा जाएगा इसको लेकर के संशय है। हालांकि विद्यार्थी कमर कस चुके हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए जो इसमें अपियर होने वाले हैं उनका कहना है कि जैसे भी लो एग्जाम लो, है ना, और जिस तरह से भी एग्जाम आप संपादित कीजिए हम उस एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन हमको बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी जो अपूर्व में बहाल हो चुके हैं वैसा ही हमको वेतन चाहिए, वैसा ही हमको सेवा शर्त चाहिए। तो एक तरीके से फिर एक तरीके हम कहा जाए तो सरकार के लिए एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, और जो शिक्षक जो पूर्व नियोजित है उनके संगठन भी बहुत तरह के विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टी के लोग भी वाम दलों ने, जैसा कि पेपर में आप देखिए जी वाम बात दल है, इसका घोर विरोध कर रहे जबकि सत्ता में हैं, है। सत्ता में साथ उनके साथ है, उस जदयू का हमारे मंत्री जो सत्ता में है वैसे भी लोग भी दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। तो अब शिक्षकों के हित में क्या होने वाला है, अभ्यर्थियों के हित में क्या होने वाला है, पूरी उपापो है, असमंजस है। ये एक्चुअल में ये बहाली होनी है या फिर शगुफा है, ये अब क्या कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर जो अभ्यर्थी थोड़ा सा टेंशन में, तो सभी को आना स्वाभाविक है, चूंकि आप पहले ही बता दिए कि अब किसी को नियुक्ति पत्र मिलने वाला हो और उसको बोला जाए कि फिर से आपको एग्जाम देना है, किसी को फर्स्ट डिवीजन आ गया उसको बोला जाए कि आप फेल कर गए, तो स्वाभाविक है ये होगा। अभ्यर्थी इससे सर कैसे उभरे अपने आप? हाँ, एक तरीके से कहा जाए तो सफल व्यक्ति को असफल घोषित कर देना। हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के सामने खाना रख करके कहा जाए कि ये आपके लिए नहीं है, अपने अंदर वो कितना अपमानित महसूस करेगा। अगर किसी व्यक्ति को, जैसा कि एक ऑडियो हमने सुना था, एक अभ्यर्थी वो अपर शिक्षा विभाग के अपर सचिव महोदय से बात कर रहा था, तो बात करते हुए अभ्यर्थी बेचारे रोने लगे और कहे कि हमारी शादी अभी तक नहीं हुई है, और इससे आशा में हम कुंवारे बैठे हुए हैं कि मैं शिक्षक बनने के उपरांत शादी करूंगा। थोड़ी देर के लिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक मामूली सा संयोग है, शादी विवाह है ना, इसके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम डेप्थ में जाकर सोचते हैं तो बताइए कि पहले तो कहेंगे कि बेरोजगारी का अभिशाप है, अब कुंवारा होना भी अभिशाप हो जाएगा, यानी कि बेरोजगारों के साथ कुंवारों की भी फौज बिहार में बढ़ने वाली है। चूंकि कोई भी देखता है कि बेरोजगार है तो फिर उसके पास कोई क्यों जाएगा शादी विवाह करने के लिए। तो सामान्य सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो 4 बार बैठ चुके हैं और वो जो सफल हो चुके थे उनको कम से कम एक मौका दे करके उनको अपॉइंट करना चाहिए था। जस्ट सर एक सजेशन है मेरा। जी, तो अब अभ्यर्थी वो भी तैयार है बैठने के लिए, लेकिन थोड़ा सा सेवा शर्त में और जो सिलेबस है उसको स्पष्ट कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके वेतन को जो आकर्षक कहते हैं, आकर्षक किसको कहते हैं ये समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, सरकार के द्वारा कहा जाता है। सर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप देखे होइएगा, जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका कहना है कि जब जनगणना आता है तो हमको बोला जाता है कि आप राजकर्मी हैं, आप ये काम करेंगे, लेकिन जब वेतन का बात आता है, सुविधा का बात आता है, उस समय हम लोग नियोजित हो जाते हैं अपने आप को। वो सर अभी तक, अभी जब तक वो राजकर्मी नहीं बन रहे तब तक अपने आप को सर उछला हुआ महसूस करते हैं। लेकिन सर एक इसमें और प्रश्न है, जो अभ्यर्थी का ही प्रश्न है, कि जब जो पार्टियां विपक्ष में रहती हैं, इससे पहले तेजस्वी जी विपक्ष में हुआ करते थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब मैं आऊंगा तो जितना भी शिक्षकों की समस्या है उसको दूर कर देंगे। सर आखिर बेरोजगारों को इतना ढाढ़स क्यों दिया जाता है सर, सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा? ये तो बात तो स्पष्ट है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी प्रॉमिस कर लीजिए और कुछ भी कह के बेवकूफ़ जनता को बनाइए, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस वोट के राजनीति में जनता ठगी जाती है। जो भी सत्ता में होता है वो कहता है कि हमारी ये समस्या है, हम ऐसे करेंगे, और फिर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस वादा को पूरा करते हैं। हम कहेंगे कि जो भी अभी हमारे जो युवा नेता है, यंग टर्क जो हम कहे जाते हैं, निश्चित तौर पर तेजस्वी जी से हमें बिहार को बहुत उम्मीद है, वो बिहार के भविष्य हैं, तो थोड़ा सा शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने वादा कर रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम समान काम का समान वेतन देंगे, या फिर पूर्ण वेतनमान लागू करेंगे, या फिर हमारे जो भी वैसे अभ्यर्थी जो सफल होकर के बैठे हुए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से उसी समय हम उनका नियोजन करवाएंगे। तो इस संबंध में एक तरीके से कहिए कि वादा खिलाफी हुई है उनके साथ, और सरकार बनते के साथ ही, सरकार में शामिल होते के साथ ही उनकी अपनी जो बयान है वो बयान से वो मुकर जाते हैं और कहते हैं कि अब इस तरह से होगा। तो ये भी एक नाराजगी का मुद्दा हो जाता है, और शिक्षक का अभ्यर्थी और जो भी पूर्व नियोजित है वो नाराज हैं।
इस संबंध में तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है उनके द्वारा, लेकिन चूंकि एक मर्यादा होती है, मर्यादा के अंतर्गत सबको बोलना चाहिए। और सरकार के एक हम कहते हैं ना, एक जो हमारा एक तरीका होता है, एक सत्याग्रह का, वैसे विरोध किया जा सकता है। सर, आप अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? सर, आपका क्या संदेश होगा जो भी शिक्षक अभ्यर्थी? हाँ, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे हम कहेंगे कि हमारी सरकार जिस तरह से परीक्षा का आयोजन करवा रही है, उस परीक्षा में उन सम्मिलित हों और एक बार फिर अपनी योग्यता का परचम लहराना है, सिद्ध कर देना कि हाँ हम योग्य हैं। क्योंकि देखिए, सरकार जब जनगणना करना है, जब चुनाव करना है, सबके लिए आप योग्य, उस समय हम योग्य हो जाते हैं, है ना, शिक्षक योग्य हो जाते हैं, जो भी शिक्षक बहाल है वो योग्य हो जाते हैं। और अभी जो बहाल शिक्षक है उन्हीं के बदौलत आपका रिजल्ट प्रत्येक साल घोषित होता है, और आप कहते हैं कि हमने इतने प्रतिशत ग्रोथ किया एजुकेशन में, इतनी हमारी बालिकाएं हैं परफॉर्म कर रही है। तो एक तो स्पष्ट है कि आप शिक्षक ही एक योग्य है। शिक्षक को कहिएगा कि पढ़ाते नहीं है, विद्यालय जाते नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर आप कहते हैं कि इतने बच्चे सफल हुए हैं, इतने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, ये बिहार के गौरव की बात है। आखिर गौरव की बुनियाद किसने रखी है? इन शिक्षकों ने ही रखी है। आपका इलेक्शन के साथ जनगणना हो या आपदा प्रबंधन हो या कोरोना काल हो, मोर्चे पर कौन संभाला, किसने लड़ा इनके खिलाफ लड़ाई? ये अयोग्य शिक्षक, अयोग्य थे तो आपने लगाया क्यों? और फिर लगाया और आपका मिशन कामयाब हो गया तो अयोग्य कैसे हो गए? ये जो कि शिक्षक हैं, इस बात से आपको इनकार करना नहीं होगा, है ना, और इन्हें स्वीकार करना होगा, और जो भी इनके उचित पारिश्रमिक होगी हो वो देना होगा। और वैसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री या जो तेजस्वी यादव हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, आप बिहार के भविष्य हैं, अभी यंग हैं आप, आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, तो आप बिहार को उस रास्ते पर ले चाहिए जहां पर युवा अपने योग्यता का परचम लहराए, आपको आइडियल मानते हैं, तो आइडियल मानते हैं तो थोड़ा सा उनका भी सम्मान किया जाए। श्रीमान, मैं ये तो चैनल के माध्यम से आपसे जरूर कहूंगा। सर, जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो भी आला अधिकारी हैं सरकार में बैठे हुए, आपके सक्षम पदाधिकारी हैं, उन तक पहुंच सके, ताकि आप सबके लिए कुछ न्याय मिल सके। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनको कुछ ट्रेनिंग देकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सके। अभी तक जैसा कि अगर कहिएगा कि प्रशिक्षण देकर के राजकर्मी की तरह दर्जा घोषित करना, पहले ही स्पष्ट रूप से उनको आपने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख लिया है और स्थानीय निकाय के कर्मचारी के रूप में आप मान रहे हैं। हालांकि काम जो भी होता है वो उनके द्वारा करवाते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये राजकर्मी नहीं है। तो आप अगर प्रशिक्षण की बात करते हैं तो वैसे विद्यालय, वैसे नियोजित शिक्षक जो टेट परीक्षा पास कर चुके हैं, जो बीएड है, डीएलएड है, आप उस परीक्षा पास करने के आधार पर भी जो पारा 78 है उसमें भी कोर्ट ने भी कहा है कि इनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाए या विशेष सुविधा दिया जाए, तो उस आधार पर भी आप अमल कर सकते हैं। अब पुनः अगर कहा जाए कि दोबारा परीक्षा दिया जाए तो शिक्षक हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, बैठ जाएंगे परीक्षा में। लेकिन क्या नियमावली यही कहती है कि वो जीवन भर 60 वर्ष तक रिटायर होते वक्त तक एग्जाम दे एग्जाम देते रहेंगे? उनके इंक्रीमेंट के लिए एग्जाम लीजिएगा, राजकर्मी के लिए एग्जाम लीजिएगा, उनके डीए के लिए एग्जाम लीजिएगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए भी एग्जाम लेने का हो सकता है कि प्रावधान कर दीजिएगा। तो ये तो अब सरकार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब जो भी संभव है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी है इसके लिए और आगे लड़ाई लड़ी जा सकती है, सत्याग्रह के तौर पर हम विरोध कर सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय हम योग्य हो जाते हैं, है ना, शिक्षक योग्य हो जाते हैं, जो भी शिक्षक बहाल है वो योग्य हो जाते हैं। और अभी जो बहाल शिक्षक है उन्हीं के बदौलत आपका रिजल्ट प्रत्येक साल घोषित होता है, और आप कहते हैं कि हमने इतने प्रतिशत ग्रोथ किया एजुकेशन में, इतनी हमारी बालिकाएं हैं परफॉर्म कर रही है। तो एक तो स्पष्ट है कि आप शिक्षक ही एक योग्य है। शिक्षक को कहिएगा कि पढ़ाते नहीं है, विद्यालय जाते नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर आप कहते हैं कि इतने बच्चे सफल हुए हैं, इतने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, ये बिहार के गौरव की बात है। आखिर गौरव, कोई कहता है 150 नंबर का, कोई कहता है कि जीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई कहता है कि जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड दोनों होगा, कोई कहता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पैटर्न है वही लागू किया जाएगा, कोई कहता है कि पहले के जो बीटेट हुआ है वैसा होगा। तो अलग अलग स्टेट का भी लोग अध्ययन कर रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर कहा जाए कि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई पुष्टि कि क्या पूछा जाएगा, इसको लेकर के संशय है। हालांकि विद्यार्थी
कमर कस चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं इसके लिए जो इसमें अपियर होने वाले हैं, उनका कहना है कि जैसे भी लो एग्जाम लो, है ना, और जिस तरह से भी एग्जाम आप संपादित कीजिए, हम उस एग्जाम में बैठेंगे, लेकिन हमको बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी जो अपूर्व में बहाल हो चुके